दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाकर अपना घर चलाने वालों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि अब दिल्ली की सड़कों पर बाइक टैक्सी नहीं चलेगी और ये फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दिया है जिसमें हाई कोर्ट ने दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाने का आदेश दिया था। ऐसे में फिलहाल राजधानी की सड़कों पर बाइक टैक्सी चलाने की छूट नहीं होगी। दरअसल पूरा मामला तब शुरू हुआ जब इस साल फरवरी में दिल्ली सरकार ने बिना कमर्शियल लाइसेंस के चल रही ऐप बेस्ड प्राइवेट बाइक पर बैन लगा दिया। नियम तोड़ने पर ऐप कंपनी पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना तो राइडर पर भी 5 से 10 हजार का जुर्माना और लाइसेंस कैंसिल होने तक जैसे प्रावधान लाए गए। दिल्ली सरकार की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक प्राइवेट वाहनों का कमर्शियल यूज नहीं किया जा सकता, जबकि टैक्सी के तौर पर चल रही बाइक्स कमर्शियल नहीं प्राइवेट रजिस्ट्रेशन वाले हैं। हालांकि सरकार के इस फैसले के खिलाफ बाइक टैक्सी कंपनियां और राइडर्स ने विरोध दर्ज करवाया। रैपिडो और उबर ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका डाली, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और फिर केजरीवाल सरकार के फैसले पर स्टे भी लगा दिया। इसके बाद दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की और अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर को रद्द कर दिया। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि हम इससे जुड़ी एक पॉलिसी बना रहे हैं और जब तक ये लागू नहीं होती टू व्हीलर वाहन के बाइक टैक्सी के रूप में इस्तेमाल पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि दो पहिया वाहनों का इस्तेमाल बिना प्रॉपर लाइसेंस और परमिट के हो रहा है जो सवारियों की सेफ्टी के लिहाज से भी ठीक नहीं है। वहीं बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स ने भी अपने पक्ष में खूब दलीलें दी। रैपिडो और उबर ने कहा कि हजारों राइडर्स ऐसी बाइक टैक्सी चलाते हैं और बैन से उनकी आजीविका पर असर पड़ेगा। इन लोगों ने मांग की कि जब तक दिल्ली सरकार नीति नहीं बनाती तब तक उन्हें बिना लाइसेंस ऑपरेट करने दिया जाए, जिससे राइडर्स और इस सर्विस का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर असर ना पड़े। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स की मांग खारिज कर दी, यानी केजरीवाल सरकार की नई पॉलिसी आने तक दिल्ली की सड़कों पर ओला उबर रैपिडो समेत अन्य बाइक टैक्सियां नहीं चलेंगी। और भी इंटरेस्टिंग खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज ब्रिक को लाइक और सब्सक्राइब करें।